हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आपका फैंटासी डिसन चैलेंजर में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भाई जो झारखंड T20 मैच की, जो कि होगा कल के दिन का पहला सेमीफाइनल मैच, जो कि होगा बोकारो ब्लास्टर्स वर्सेस डुमका डेड डेविल्स के बीच में। तो चलिए दोनों ही टीम के प्लेयर पर एक बार नजर कर लेते हैं कि कौन से प्लेयर को हम लोग ऐसे स्मॉल लीग में लेके जा सकते हैं, कौन से प्लेयर को हम लोग ऐसे ग्रैंड लीग में पिक कर सकते हैं, प्लस कौन सा प्लेयर हमारे लिए कैप्टन और वाइस कैप्टनशिप के लिए बेस्ट चॉइस रहेगा, उसके बारे में बात कर लेंगे। पीसी रिपोर्ट देख लेते एक बार, लास्ट में हमारी फैंटासी टीम देख लेते एक बार कि कौन से प्लेयर को हमें लेके जाना है, कौन से प्लेयर को हम लोग ऐसे अवॉइड करके जा सकते हैं, सारी डिटेल्स इसी वीडियो में कवर कर लेंगे। तो चले फिर बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो बात करें इस मैच की, तो इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि YouTube चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आपको YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि ये पूरी टूर्नामेंट इसी YouTube चैनल पर कवर की जाएंगी। इसके साथ साथ आपको मिल जाएंगे ऐसे ECS T10 के वीडियोज़ मिल जाएंगे, इसके साथ साथ यहाँ से बुखातिर T20 के वीडियोज़ मिल जाएंगे, इसके साथ साथ देखो ये टूर्नामेंट दो दिन में खत्म हो जाएंगे, इसके साथ साथ पौंडुचेरी वुमन T20 शुरू होने वाला है, तो उसके मैचेस के भी वीडियो आपको इसी YouTube चैनल पर मिलने वाले हैं। तो YouTube चैनल को सबसे पहले आपको सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही में यहाँ से टेलीग्राम से जुड़ जाएगा, क्योंकि फाइनल अपडेट और टीम वगैरह आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी। तो टेलीग्राम से जुड़ने के लिए मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी लिंक अटैच किया हुआ है, इनकेस अगर लिंक वर्क ना करे तो टेलीग्राम में जाके आप सर्च भी कर सकते हो फैंटासी डिसन चैलेंजर, या फिर आप सर्च कर सकते हो @FDC27 और आपको सीधा हमारा चैनल मिल जाएगा। तो सिंपली आपको उसे ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि फाइनल अपडेट और टीम वगैरह आपको वहीं पर मिल जाएगी। तो बात करें इस मैच की, तो ये मैच सुबह में 9 बजे JSC इंटरनेशनल स्टेडियम कॉम्प्लेक्स रांची में खेला जाएगा। पिच रिपोर्ट की बात की जाए तो ऐसे न्यूट्रल और बैलेंस पिच है, लेकिन बॉलर्स को थोड़ी सी अच्छी मदद मिलती है, तो बॉलर्स के ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करते हुए टीम बनाएंगे। बाकी एवरेज स्कोर की बात करें तो 130 रन के आसपास स्कोर बनता हुआ नजर आ सकता है। चेजिंग रिकॉर्ड की बात करें तो 28 मैचेस खेले गए, जिसमें से 10 बार चेजिंग करने पहले बैटिंग करने वाली टीम ने जीती, ऐसे 16 बार चेजिंग करने वाली टीम ने जीती, लेकिन ये आंकड़े कभी भी उलट पुलट हो सकते हैं, तो इसके ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, लेकिन थोड़े से यहाँ से चेजिंग करने वाली टीम को एडवांटेज रहता है, तो शायद जो भी टीम टॉस जीतेगी पहले चेज करना पसंद कर सकती है। तो बात करते हैं ऐसे टीम बोकारो ब्लास्टर्स की, तो लास्ट मैच की बात करो तो यहाँ से ओपनिंग में विशाल सिंह और सत्या सेतु दोनों ओपनिंग करें और कंटिन्यूसली दोनों ओपनिंग करवा रहे हैं, लेकिन सेकंड लास्ट मैच की बात करो तो इन दोनों ने ओपनिंग किया था प्रतीक भगत और भानु आनंद, और वहाँ पर बोकारो को बुरी तरह से हारना पड़ा था। तो ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने कर चुके, लेकिन कल सेमीफाइनल मैच है और सेमीफाइनल में ये टीम कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहेंगी, तो ऐसे एक बार फिर से विशाल सिंह और सत्या सेतु दोनों ओपनिंग करवाते हुए नजर आएंगे, और दोनों ही एज अ प्लेयर हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे। इवन विशाल सिंह को तो यहाँ से आप कैप्टन वाइस कैप्टन बना के जा सकते हो, और बाकी बात करें सर सत्या सेतु की तो हर एक मैच के अंदर कंटिन्यूसली अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, तो एज अ प्लेयर यहाँ से बेहद अच्छी व्यक्ति रहने वाली, इवन यहाँ से इनको ग्रैंड लीग वगैरह में कैप्टन वाइस कैप्टन बनाना चाहो तो आप इनको बना के जा सकते हो। बाकी आदित्य सिंह की बात करें तो पिछले कुछ मैचेस के अंदर ओवर्स भी नहीं करवा रहे, लेकिन कभी कभी ओवर्स करके ऐसे विकेट वगैरह चक्का लेते हैं, 25 रन 17 10 जैसे स्कोर ठीक ठाक कर लेते हैं, तो अगर कोई अच्छी चॉइस ना मिले तो ऐसे आदित्य सिंह को ट्राई कर सकते हो। बाकी इतना कोई खास परफॉर्मेंस दिया नहीं अभी तक, तो इनको लेना थोड़ा बहुत रिस्की हो सकता है, लेकिन यहाँ से भानु आनंद को आप ट्राई कर सकते हो, विकेट कीपिंग सेक्शन से आपके लिए एक अच्छी पिक बन सकती है, और आई थिंक शायद अभी तो उनका नाम बैटिंग सेक्शन से, लेकिन कंटिन्यूसली इन्होंने भी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, हालांकि पिछली दो मैच के अंदर इतना कुछ खास किया नहीं है, लेकिन फिर भी इनके ऊपर भरोसा करना चाहो तो कर सकते हो। बाकी प्रतीक भगत को मैं अभी के लिए सजेस्ट बिल्कुल नहीं करता, बहुत रिस्की रहेंगे इनको, तो आप रिस्की वगैरह खेलते हो ग्रैंड लीग वगैरह खेलते हो तभी लेके जाएगा, स्मॉल लीग के लिए लेके जाना बहुत रिस्की रहेगा। सचिन तिवारी को आप डिफरेंशियल वे में लेके जा सकते हो, क्योंकि ये जब भी परफॉर्मेंस देते हैं तब काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं, आप देख सकते हो यहाँ से 23 रन किए थे, 41 किए इससे पहले, 18 रन का स्कोर किया इससे पहले, 16 रन का स्कोर किया, लेकिन ज़्यादा इनकी बैटिंग नहीं आती, क्योंकि बैटिंग ऑर्डर उनका काफी नीचे है, तो ऊपर से टीम कॉलेप्स नहीं करवाएगी तब तक इनसे बैटिंग से कोई उम्मीद नहीं रख सकते, तो इनको आपको डिफरेंशियल वे में ट्राई करना पड़ेगा, स्मॉल लीग के लिए थोड़े से रिस्की रहेंगे। अभी देखो आखिरी मैच की बात करें तो आखिरी मैच इन दोनों ही टीम के बीच में हुई है, यहाँ से बोकारो और यहाँ से डुमका के बीच में आखिरी मैच हुई है, तो ये जो लास्ट वाले जो सबसे लास्ट में जो परफॉर्मेंस लिखा हुआ है मैंने इन दोनों ही टीम का है, यानी कि उसके बेसिस पर आप लोग यहाँ से देख सकते हो कि कुछ चेंजेस करना चाहो तो अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। तो अर्पित यादव वेरी इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे, लास्ट मैच के अंदर इसी टीम के सामने उन्होंने एक विकेट निकाली, या फिर सचिन तिवारी ने भी लास्ट मैच के अंदर इसी टीम के सामने 41 रन की पारी खेली हुई है, तो लास्ट मैच का जो भी परफॉर्मेंस रहेगा इन्हीं के सामने रहेगा। मनीष तिवारी पिछले दोनों ही मैच के अंदर दो दो विकेट निकालते वाले हैं, तो इनको आप लोग अभी जरूर लेके जाएगा, आई थिंक शायद अर्पित यादव से भी बेहतर पिक आपके लिए मनीष तिवारी हो सकते हैं, लेकिन याद रहे कि अर्पित यादव जो है काफ़ी जबरदस्त पिक है, इवन मैंने तो इनको पहली मैच के अंदर वाइस कैप्टन किया था जहाँ पर उन्होंने 3 विकेट निकाले थे, बाकी ओवरऑल आप देख सकते हो 17 मैच के अंदर 34 विकेट है, तो एक बार फिर से इनके ऊपर रिस्क लेना चाहो तो ले सकते हो। अनमोल राज ओके पिक रहेंगे, ग्रैंड लीग वगैरह में ट्राई करना है। सौरभ शेखर वारी वेरी इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे, हालांकि इनको भी पिछली दोनों मैच के अंदर विकेट नहीं मिला है, लेकिन फिर भी अच्छी पूरी टूर्नामेंट में अच्छा किया हुआ है, तो इनके ऊपर भरोसा कर सकते हो। बाकी आर्यमान लाला
पिछले दोनों ही मैच के अंदर देत होस में गेंदबाजी कर रहे हैं और दोनों ही मैच के अंदर विकेट भी निकाले हुए, तो इनके ऊपर भी आप भरोसा कर सकते हो, एज अ प्लेयर इनको जरूर ट्राई कर सकते हो। स्टार्टिंग होस की बात करें तो ऐसे आर्यमन लाला और ऐसे एश शेखर स्टार्ट किए थे, देत होस में लाला, यहाँ से शेखर और यहाँ से ए यादव यहाँ से देत होस में गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे। तो यहाँ से ये तीनों ही इंपॉर्टेंस रहने वाले, देखो ये तीनों को ही हम लोग एज अ प्लेयर लेके जाने वाले हैं। बाकी बेंच की बात करें तो बेंच से अगर कोई भी खेलेगा तो इनके स्टेट्स में आपको टेलीग्राम में पहुंचा दूंगा, तो जल्दी से जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। अभी के लिए बात करते हैं ऐसी टीम डुमका डाई की, डेयर डेविल्स की, तो 10 मैच खेली जहाँ से सिर्फ 4 मैच जीती, 5 मैच हारी, लेकिन इसके बावजूद अभी खेल रही है सेमीफाइनल मैच में। और सेमीफाइनल मैच की बात करें तो ये दोनों प्लेयर्स के ऊपर पूरा दारोमदार है। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि अगर ये दोनों प्लेयर्स में से एक आधा भी मिस होता है तो ऐसे इनके लिए जीतना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। और ऐसा ही कुछ हुआ, लास्ट मैच बोकारो के सामने डुमका हार के आ गई थी, क्योंकि वहां पर सरनदीप सिंह लास्ट मैच के अंदर 8 रन बनाकर आउट हो गए, इसके बाद कोई प्लेयर्स ज्यादा चला नहीं। तो ये जो पूरा जो डिपेंड है इन दोनों ही प्लेयर्स के ऊपर डिपेंड है। अगर ये दोनों खेल जाते हैं, ऐसे 8-10 ओवर भी खेल जाते हैं, तो यहाँ से ये टीम के जीतने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा रहते हैं। अगर इनमें से कोई एक भी जल्दी से आउट हो जाता है तो यहाँ से इनको मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। बाकी हमारे लिए तो ये दोनों ही प्लेयर्स इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, कुमार कुशाग्रा और ऐसे सरनदीप सिंह। इवन यहाँ से कुशाग्रा की बात करो तो एज अ प्लेयर के साथ ऐसे कैप्टन और वाइस कैप्टनशिप के लिए भी आपके लिए अच्छी चॉइस है। इवन इन दोनों को ही ट्राई कर सकते हो, दोनों ही प्लेयर्स को आप लोग एज अ कैप्टन वाइस कैप्टनशिप के तौर पर ट्राई कर सकते हो। बाकी अंकित कुमार की बात करो तो अगर कोई अच्छी चॉइस ना मिले तो ट्राई करेगा, बाकी दिखेंगे आपको आई थिंक बैटिंग सेक्शन से दिखेंगे, और अगर कोई अच्छी चॉइस ना मिले तभी ट्राई करेगा, क्योंकि स्मॉल लीग के लिए लेके जाना थोड़ा बहुत रिस्की हो सकता है। अतुल सिंह सर्वर वेरी इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे, इवन यहाँ से कैप्टन वाइस कैप्टनशिप के लिए सबसे बेस्ट पिक यहाँ से अतुल सिंह सुरवर रहने वाले, तो ये इनको तो डेफिनेटली लेके जाएंगे। अभय सिंह पिछले दोनों मैच के अंदर ओवर्स करवा रहे, हालांकि सेकंड लास्ट मैच के अंदर 2 विकेट्स भी निकाले थे, हालांकि लास्ट मैच के अंदर विकेट नहीं मिली, लेकिन फिर भी इनके ऊपर भरोसा करना चाहो तो कर सकते, लेकिन बहुत ज़्यादा रिस्की खेलो तभी। बाकी स्मॉल लीग के लिए तो मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करता, राहुल कुमार को लेना बहुत रिस्की रहेगा, तो इनको भी आपको ग्रांड लीग वगैरह में ट्राई करना है। क्रोणाल रॉय, ये सारे प्लेयर्स हैं जिनको आपको ग्रांड लीग वगैरह में ट्राई करना है। बाकी इंपॉर्टेंस की बात करो तो यहाँ से देखो अमित यादव को आपको डिफरेंशियल वे में ट्राई करना है, ग्रांड लीग वगैरह में ट्राई करना है तो कर सकते हो, स्मॉल लीग के लिए मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करता। लेकिन यहाँ से मनीषी हो गए, विनायक विक्रम और उमर मलिक, ये तीनों ही बॉलर्स आपकी टीम के अंदर डेफिनेटली रहने चाहिए, क्योंकि ये तीनों ही उस लेवल के प्लेयर है जो कि कभी भी यहाँ से 2-3 विकेट एक साथ में लेते हुए नजर आ सकते हैं, तो तीनों ही एज अ प्लेयर आपकी टीम के अंदर डेफिनेटली रहने चाहिए। बाकी बात करूँ ऐसे स्टार्टिंग ओवर्स की, तो उमर मलिक और यहाँ से एके यादव स्टार्ट करेंगे, और डेथ ओवर्स में उमर मलिक, यहाँ से मनीषी और ए सिंह यहाँ से डेथ ओवर्स में गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे। बाकी बेंच की बात करो तो बेंच से अगर कोई भी खेलेगा तो इनके स्टेट्स में आपको टेलीग्राम में पहुंचा दूंगा, तो आप जल्दी से जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। अभी के लिए देख लेते हैं हम हमारी फैंटेसी टीम कौन सी रहेंगे, कौन से प्लेयर को हमें लेके जाना है, कौन से प्लेयर को हम लोग ऐसे अवॉइड करके जा सकते हैं। तो विकेट कीपिंग सेक्शन की बात करते हैं, ऐसे कुमार कुशाग्रा और यहाँ से एस सिंह दोनों को मैंने लिया हुआ है, यहाँ से भानु आनंद को भी ले सकते हैं। देखो आप डिफरेंशियल वे में कुछ नया करना चाहो, इवन मैं खुद यहाँ से सजेस्ट करता हूँ, यहाँ से स्मॉल लीग की टीम के अंदर आप यहाँ से भानु आनंद को भी लेके जा सकते हो, प्लेयर्स काफ़ी अच्छा है, चौथे नंबर पर बैटिंग के लिए आएगा, और एक बड़ा स्कोर कल की मैच के लिए मुझे लगता है, तब तक के लिए मुझे ऐसी थोड़ी सी गट फीलिंग हो रही है कि कल के मैच के अंदर यहाँ से 40-50 रन मार के दे सकते हैं। देखो मैं यहाँ से भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूँ, मेरा प्रेडिक्शन है ऐसा। बैटिंग सेक्शन की बात ऐसे विशाल सिंह रहेंगे, ए सिंह सुरवर और ऐसे सत्या शेतो हमारी टीम के अंदर रहने वाले। बाकी ऑप्शंस की बात करूं तो ऐसे एस तिवारी वगैरह को, देखो तिवारी ने लास्ट मैच के अंदर 41 रन की पारी खेली थी, लेकिन थोड़े से नीचे खेले थे, इसके लिए मैंने अभी के लिए सजेस्ट नहीं किया उनको। बाकी ऑलराउंडर सेक्शन में ऐसे ए सिंह को ही मैंने लिया हुआ है, ए सिंह मिस ऐसे बोकारो के आदित्य सिंह को लिया हुआ है। बाकी ए सिंह ये है अभय सिंह, जो कि पिछले दोनों ही मैच के अंदर 3-3 ओवर की गेंदबाजी की है, तो इनको लेना हो तो इनको ले सकते हो, लेकिन ए सिंह यानी कि आदित्य सिंह थोड़े से ऊपर खेलते हैं, 1 डाउन तीसरे या चौथे नंबर पर बैटिंग के लिए आते, तो इसके लिए मैंने इनको लिया हुआ है। बाकी बॉलिंग सेक्शन की बात करते ऐसे एश शेखर, उमर मलिक, मनीषी और वी विक्रम के साथ यहाँ से आर्यमान लाला को लिया है। अभी आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से आर्यमान लाला की जगह पर आप लोग यहाँ से भानु आनंद को ट्राई कर सकते हो, काफ़ी अच्छा रहेगा अगर इनको लेना चाहो तो उनको भी ले सकते हो। लेकिन अभी के लिए टीम कुछ इस तरह से रहेगी मेरी कि कैप्टन रहेंगे हमारे कुमार कुशाग्रा, और वाइस कैप्टन की बात करो तो ए सिंह सुरवर हमारे वाइस कैप्टन रहने वाले हैं। बाकी ऑप्शंस की बात करो तो ऑप्शंस आपको यहाँ से बॉलिंग सेक्शन से लेने हैं, कैप्टन वाइस कैप्टन किसी को करना है आपको तो यहाँ से बॉलिंग सेक्शन से ऊपर आप लोग किसी एक बॉलर्स के ऊपर रिस्क ले सकते हो। बाकी अभी के लिए टीम कुछ इस तरह से रह सकती है, लेकिन याद रहिए डेमो टीम है, फाइनल टीम आपको मिलेगी टेलीग्राम में फाइनल लाइनअप के बाद, तो टेलीग्राम से जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक अटैच किया हुआ है, इनके
अगर लिंक वर्क ना करें तो टेलीग्राम में जाके आप सर्च कर सकते हो फैंटेसी डिसन चैलेंजर, या फिर आप सर्च कर सकते हो @FDC27 और आपको सीधा हमारा चैनल मिल जाएगा। सिंपली आपको उसे ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि फाइनल अपडेट और टीम वगैरह आपको वहीं पर मिल जाएगी। तो यहाँ अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आपको लाइक और शेयर कर लेना है, साथ ही में यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आगे आने वाले अच्छे मैसेज के वीडियो आपको इसी यूट्यूब चैनल पर मिलने वाले हैं। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में एक नए सरप्राइज वीडियो के साथ। तब तक आप पूरा वीडियो देखते रहो, अच्छा एनालिसिस करते रहो, अच्छी टीम बनाते रहो, अच्छी विनिंग करते रहो। बाय, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।